ये क्या है? जालक समतलों के मध्य की दूरी। जालक समतलों के मध्य की दूरी अभी थोड़ी देर पहले लिखाया, जालक समतलों के मध्य की दूरी मूल बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यानी ये हो गया आपका सिग्मा 100 इज इक्वल टू 1/d00 a/v। अब यहाँ से a क्या है? समांतर चतुर्भुज के आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या है? b और c। आधार में b और c तो है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो b वेक्टर इंटू c वेक्टर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव सेल, ये अपन अपने क्या आया था, क्या होता था? अभाज्य कोष्ठिका का आयतन अपन ने देखा था, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यही तो होता था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, नोट करो, ये आ गया। इसमें लिखो इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की अन्य ऊंचाइयों का व्युत्क्रम। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की अन्य ऊंचाइयों का व्युत्क्रम, अन्य ऊंचाइयों का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? ये तो d 100 हो गया, ये d 100 या d 100, अन्य ऊंचाई कौन सी? 110 और तीसरी 111। तो ये आ गया आपका सिग्मा 110, ये हो गया 1/1 d 110, ये हो गया आपका c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, कोष्ठिका का आयतन सेम रहेगा, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तीसरा हो गया आपका सिग्मा 111, ये हो जाएगा 1/d 111, ये हो जाएगा तीसरा, बचेगा आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर a वेक्टर डॉट b क्रॉस c वेक्टर, ये बचेगा। तीनों दूरी आ गई आपकी d1, तीनों दूरियों का व्युत्क्रम आ गया, d100 का आ गया, d110 का आ गया, और ये तीसरा d11 का व्युत्क्रम आ गया। इसके बाद लिखो ये तीनों सदिश जो अपने पास, ये तीनों सदिश, ये तीनों सदिश कौन कौन से तीनों? सिग्मा 100, सिग्मा 110, सिग्मा 111, ये तीनों सदिश रेसिप्रोकल लेटिस की प्रीमिटिव सेल के फंडामेंटल वेक्टर कहलाते हैं। प्रीमिटिव सेल के फंडामेंटल रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाते हैं।
फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस कहलाते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस कहलाते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस कहलाते हैं। इनको ए वेक्टर स्टार, बी वेक्टर स्टार, सी वेक्टर स्टार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, टी स्टार वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इनके मान क्या आ गए? ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और टी स्टार सी स्टार वेक्टर के मान, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर, ये हो गया आपका सिग्मा 100, सिग्मा 110 और ये सिग्मा 111। इनके मान हो गए, इनके मान, एक मिनट, ये हो गया ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार वेक्टर, इनके मान हो गए आपके सिग्मा 100, सिग्मा 110, सिग्मा 111। इसका मान आ गया आपका बी क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, दूसरा आ गया आपका सी क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तीनों मान आ गए। इनका आगे का कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलर इंडाइसेज पूरा हो गया, ये रेसिप्रोकल लेटिस। हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना सॉलिड स्टेट चल रहा था, उसमें जो यूनिट थी फर्स्ट, उसमें टॉपिक चल रहा था रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस में अपन ने कल पढ़ लिए थे, जो अपना रेसिप्रोकल लेटिस है उसकी जो प्रीमिटिव यूनिट, प्रीमिटिव सेल है, उसके रेसिप्रोकल फंडामेंटल वैक्टर पढ़ लिए थे। तो लिखो, कल पढ़ा था वो, यानी जो रेसिप्रोकल लेटिस था उसकी जो अभाज्य कोष्ठिका थी, उस अभाज्य कोष्ठिका के रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर, प्रतिलोमी मूलभूत सदिश, ये आए थे अपने पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। कौन कौन से प्लेन के लिए देखा था? प्लेन था अपना, प्लेन था
100, 110 और 111 अपने 100, 110 सिग्मा 111 इनके मान आए थे। इनके मान क्या क्या आए थे? इनके मान आए थे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये समांतर चतुर्भुज के जो आधार था उसका क्षेत्रफल था, यूनिट सेल का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका इसके बाद था सिग्मा 110 प्लेन के लिए, यह आया था अपना और तीसरा था प्लेन 111 के लिए, एच के एल का मान 11 था, यानी जो मिलर इंडाइसेज है उनका मान 111 था। इसके लिए आया था ये मान आया था। अब इनको क्या करेंगे, पेरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे, इनको इन तीनों को पेरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे। तो लिखो पेरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखने पर, यानी पेरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखने पर, पेरियोडिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 2π से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्टार 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी स्टार 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्टार आ जाएगा आपका, ए स्टार 2π बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, बी स्टार आ जाएगा सिग्मा 110 2π और सी स्टार आ जाएगा, यानी जो 11 प्लेन है एच के एल का मान 11 है उसके लिए आ जाएगा 2π ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये मान आ जाएंगे। यहां तक लिखूं, अब जो ये आपका रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर ए है, ये क्या है, बी और सी के परपेंडिकुलर है, बी और सी के परपेंडिकुलर है, कौन, रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर ए स्टार। तो इसमें लिख लो आप, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें लिखो रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर ए स्टार बी तथा सी के परपेंडिकुलर है, सी के लंबवत है, सी के लंबवत है, लंबवत है, सी के परपेंडिकुलर है, सी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार डॉट डॉट प्रोडक्ट बी
ये हो जाएगा आपका जीरो, और ए स्टार सी के भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया जीरो। ऐसे ही जो फंडामेंटल वेक्टर है, रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर बी स्टार है, वो किस किस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो ए के और सी के परपेंडिकुलर होता है। देखो रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर बी स्टार ए तथा सी वेक्टर के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्टार ए, ये जीरो हो जाएगा, और जो दूसरा था बी स्टार सी वेक्टर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। जो तीसरा है रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर सी स्टार, वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो जाएगा ए के और बी के, जो आपका रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर सी स्टार है, वो सी स्टार ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, सी स्टार डॉट ए, इसका मान जीरो हो जाएगा। दूसरा है आपका सी स्टार बी का मान जीरो हो जाएगा। अपने पास जीरो किस किस का मान हो गया, जो परपेंडिकुलर है, जिस भी रेसिप्रोकल फंडामेंटल वेक्टर के परपेंडिकुलर है उन सब का मान जीरो हो जाएगा। ये देखो ए स्टार के परपेंडिकुलर में जो है उनका मान जीरो हो गया, बी स्टार के परपेंडिकुलर में जो है उनका मान जीरो हो गया, और सी स्टार के परपेंडिकुलर में जो है उनका मान जीरो हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो रेसिप्रोकल वेक्टर है या जो प्रतिलोमी सदिश हैं उनका तथा जो प्रत्यक्ष सदिश हैं उनका गुणनफल एक होता है। इसमें लिखो रेसिप्रोकल वेक्टर या प्रतिलोमी सदिश कर लो, प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश कौन सा, जैसे ए स्टार प्रतिलोमी हो गया तो प्रत्यक्ष हो गया ए, तथा प्रत्यक्ष सदिशों का गुणनफल एक होता है, एक होता है। जैसे ए वेक्टर डॉट ए, इनका गुणनफल क्या होगा, ए वेक्टर का मान रख लो, ए वेक्टर का मान होता है आपका, जैसे इसको यूँ भी तो कर सकते हैं, ए डॉट ए वही है प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश का गुणनफल। इसको लिखो, ये तो हो गया आपका ए वेक्टर का मान होता है बी क्रॉस सी, यही तो होता है बी क्रॉस सी अपॉन में क्या आता है आयतन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ आ गया वन, ऊपर वाला हो गया प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश का गुणनफल एक होता है। दूसरा है आपका बी स्टार डॉट बी, या इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट बी स्टार वेक्टर,
यहाँ करूँ, बी डॉट बी स्टार का मान, बी स्टार का मान होता है आपका सी क्रॉस ए अपॉन ए वेक्टर बी क्रॉस सी, इसका मान भी वन हो गया, इसका मान भी वन हो गया। तीसरा है आपका सी स्टार डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट सी स्टार वेक्टर, इसका मान कितना हो गया सी, ये तो गया आपका सी। और सी स्टार का मान हो गया ए क्रॉस बी। और नीचे आपका आयतन क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मान हो गया वन। नोट करो, ये प्रतिलोमी सदिश का प्रत्यक्ष सदिशों से गुणनफल एक होता है। ये हो गया। इसके बाद जो रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है, रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेडिंग डालो रेसिप्रोपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। इसमें आ गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, प्रतिलोमी जालक के गुणधर्म, यहां लिख लो प्रतिलोमी जालक के गुणधर्म, प्रतिलोमी जालक के गुणधर्म। पहला है प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम, प्रत्यक्ष जालक होता है। पहला है प्रतिलोमी जालक का गुणन व्युत्क्रम, प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है। पहली प्रॉपर्टी है प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम एक प्रत्यक्ष जालक होता है, एक प्रत्यक्ष जालक होता है। प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है। प्रतिलोमी जालक कौन कौन से प्रतिलोमी जालक हैं अपने पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका व्युत्क्रम कर दो, स्टार लगा दो एक बार। इनका व्युत्क्रम क्या होता है, एक प्रत्यक्ष जालक होता है, एक प्रत्यक्ष जालक ए वेक्टर होता है। ए वेक्टर इसका हो गया, बी वेक्टर इसका हो गया, सी वेक्टर। प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम एक प्रत्यक्ष जालक होता है, ये याद करना है। मतलब अपन को ये निकालना है रेसिप्रोकल लैटिस ए, उसका व्युत्क्रम इनवर्स ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया, ये निकालना है। तो इसमें पहला ले लेंगे, पहला ए स्टार का व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले तो ए स्टार कितना होता है,
ए स्टार होता है अपना, ए स्टार हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम बी वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अपने एक प्रॉपर्टी थी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, अपन ने एक चीज पढ़ी थी प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश का गुणनफल एक होता है। इसमें लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश का गुणनफल वन होता है। प्रतिलोमी सदिश तथा प्रत्यक्ष सदिश का गुणनफल वन होता है, गुणनफल वन होता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट ए, इनका मान वन, वन वन को कहीं भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन को किधर भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए स्टार डॉट ए, तो यहाँ से आपका ये हो गया यहाँ मान पुट करेंगे ए स्टार डॉट ए, इसका मान वन होता है, ये हो गया आपका बी स्टार क्रॉस सी स्टार अपॉन ए वेक्टर ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर, ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ये हो गया आपका B क्रॉस C स्टार अपॉन A डॉट A स्टार डॉट B स्टार क्रॉस C, ये हो गया। अब देखो इसका मान कितना हो गया, ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे भाई बराबर है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, अर्थात ए स्टार वेक्टर प्रतिलोमी सदिश का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष सदिश आ रहा है, ये वाला आ गया, नोट करो, यहाँ तक आ गया ना, प्रतिलोमी सदिश का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष सदिश होता है, यहाँ तक करो, फिर इसका आगे करो, या तो इसको सोल्व कर लो, या एक से सोल्व कर लिया तो सिमिलरली लगा के बी का बता दो और सी का बता दो, इसके बाद लिख दो सिमिलरली लगा के लिख दो, यहाँ तक हो गया सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी स्टार इसका व्युत्क्रम
ये बी वेक्टर हो गया, सी स्टार का हो गया, सी वेक्टर हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट करो। इसमें यहाँ कर दो, अर्थात प्रत्यक्ष सदिशों के या प्रत्यक्ष जालकों कर दो, प्रत्यक्ष जालकों के मूलभूत सदिश, मूलभूत सदिश, मूलभूत सदिश कौन से? ये प्रत्यक्ष जालक, ये प्रत्यक्ष जालक बी, प्रत्यक्ष जालक सी। इनके फंडामेंटल वेक्टर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा और सी का हो जाएगा आपका जो प्रत्यक्ष सदिश सी है, इसका फंडामेंटल वेक्टर हो जाएंगे ये वाले। नोट कर लो, इनको याद भी रखना है। ये तो हो गए प्रत्यक्ष सदिशों के मूलभूत सदिश। ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार क्या था? प्रतिलोमी सदिशों के मूलभूत सदिश, अपन ने पहले पढ़ लिए, आते ही पढ़े थे ना, प्रतिलोमी जालकों के मूलभूत सदिश, ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, क्लास में सबसे पहले यही पढ़े थे। अभी आगे प्रत्यक्ष जालकों के मूलभूत सदिश, ये हो गई अपनी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या क्या पहली इसमें प्रॉपर्टी में प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक यानी प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक
पहली प्रॉपर्टी ये है आपकी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको प्रूव कैसे किया, प्रतिलोमी जालक ले लिया, कोई सा भी ले लो, इसे बी वेक्टर ले लिया, प्रतिलोमी जालक बी, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है आपका सी क्रॉस ए, तो सी स्टार हो गया, ए स्टार हो गया, ए स्टार डॉट बी स्टार डॉट या क्रॉस सी स्टार, ये हो गया। इसको यहाँ लिख दो बी स्टार डॉट बी, इसका मान होता है वन, इसका मान वन होता है, तो यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका बी स्टार या बी डॉट बी स्टार वेक्टर, एक ही बात है, तो यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी स्टार वेक्टर ए क्रॉस, सॉरी सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी स्टार, इसका मान हो जाएगा वन, इसका मान होता है वन, यहाँ से ये हो गया बी, तो अपने पास क्या बचा, इसका मान तो हो गया वन, यहाँ बचा बी, तो ये आ गया बी स्टार बी, आ गया ना प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है प्रतिलोमी जालक की यूनिट सेल का आयतन, प्रतिलोमी या रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल का आयतन, प्रतिलोमी कर लो, चलो प्रतिलोमी